हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नव भारती स्टडी सर्किल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े होंगे। तो रेजिस्टेंस का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो सीरीज एंड पैरेलल में करते हैं। वहाँ अगर सीरीज में हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और अगर पैरेलल में करते हैं तो रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ ऑपोजिट है, अगर हमें कैपेसिटेंस रिड्यूस करना हो, डिक्रीज करना हो, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कैपेसिटर्स का। लेकिन अगर हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करना हो तो हमें करना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके लास्ट फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का सीरीज में हमें मिलता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, वो फॉर्मूला हमें कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन हो गई। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर कैपेसिटेंस हमें क्या करना हो? इंक्रीज करना हो, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ये आपको फॉर्मूला से समझ में आ जाएगा कि लास्ट में हमारे पास इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो कितना आता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए, फर्स्ट जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे वो क्या होगा? डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो कैपेसिटर हम ले रहे हैं उसकी फर्स्ट प्लेट को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो इसकी जो सेकेंड प्लेट होगी वो सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से ऐड होगी, और सेकेंड जो कैपेसिटर हमने लिया है उसकी सेकेंड प्लेट किससे ऐड होगी? थर्ड वाली प्लेट के, थर्ड जो कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट के। तो एक के बाद एक अगर हम कैपेसिटर्स इस तरह से ऐड करते जा रहे हैं तो वो उसका होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। हमने फर्स्ट कैपेसिटर लिया है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, ये सेकेंड नेगेटिवली चार्ज है, इसको हमने कनेक्ट किया सेकेंड कैपेसिटर से। तो इसी तरह से फर्स्ट प्लेट क्या रहेगी? सबकी पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, और सेकेंड प्लेट क्या रहेगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। अब लास्ट जो कैपेसिटर हम लेंगे, हमने यहाँ पर डायग्राम में बात की है तीन कैपेसिटर्स की, और जो फॉर्मूला निकलेगा उसमें हम n कैपेसिटर का फॉर्मूला भी लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? डायग्राम में हम n कैपेसिटर्स तो बना नहीं सकते, तो हम क्या लेते हैं? तीन यहाँ पर कैपेसिटर्स लेते हैं, और जितने भी आप कैपेसिटर्स ले रहे हो, लास्ट वाला जो कैपेसिटर है उसकी लास्ट प्लेट को अपन क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। क्योंकि क्या होगा, इधर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्जेस है, उन पॉजिटिव चार्जेस को अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज होना है, तो यहाँ पर ये अर्थिंग अपन को शो करनी है। और फर्स्ट प्लेट जो होगी उसको हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो उसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, इन सारी प्लेट पर जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। अब इस पर कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर कौन सा है? C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। अब देखिए, एक और बात आती है, यहाँ पर चार्जेस सेम है और क्या है? अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, और इनके क्या है? अलग अलग टर्मिनल्स हैं। तो दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर क्या होगा? सारे जो भी टर्मिनल्स हैं उनके लिए अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल हम देख लेते हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल V1, इसके लिए V2 एंड इसके लिए V3। अब हमें ये देखना है कि फॉर्मूला हमें कौन सा अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला लेंगे, C=Q/V। ये फॉर्मूला अभी तक के सारी एप्लीकेशंस में काम आया है, जहाँ जहाँ हमने कैपेसिटेंस निकाला है। अब हम क्या कर रहे हैं? कैपेसिटेंस का क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन करते हुए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगेगा वो भी यही लगेगा। अब हमें ये देखना है कि ये सेम है या ये सेम है, यानी हमने तीन कैपेसिटर्स लिए हैं, तीनों पे चार्ज तो सेम है, लेकिन तीनों पे जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, V1, V2 एंड V3। यही जो डिफरेंट क्वांटिटी है हमें वो निकाल के उनको क्या करना है? प्लस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल होगा V1, तो V1 का फॉर्मूला अगर यहाँ से हम देखें तो Q/C आता है। अब हमने लिख लिया Q/C।
अब देखो C1 यानी फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, C1 हो गई, लेकिन चार्ज कितना है, तीनों के लिए सेम चार्ज है, तो उसको हम 1, 2, 3 नंबर नहीं देंगे, सिर्फ हम कैपेसिटेंस को नंबर देंगे 1, 2, 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन, हम सेकंड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं, फॉर्मूला आता है Q/C2। सेकंड इक्वेशन हो गई, चार्ज सब पे सेम रहेगा तो 1, 2, 3 नहीं लगाएंगे, C1, C2, C3, इस तरह से ये कैपेसिटेंस इसकी चेंज होती रहेगी। तो कैपेसिटेंस चेंज हुई है इसीलिए तो क्या है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट है। पोटेंशियल यहाँ पर V1, V2, V3 हमारे पास आ गए हैं। अब क्या करना है, तीनों का हमें सम करना है। तीनों का हमने सम किया V=V1+V2+V3। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q/C होगा। Q/C = अब फर्स्ट वाला जो पोटेंशियल है हमारे पास वो कितना है, Q/C1+ सेकेंड के लिए Q/C2, थर्ड के लिए Q/C3। अब देखिए तीनों टर्म में हमारे पास चार्ज आ रहा है और वो क्या है, सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, तो Q/C = Q/C1+C2+C3। यहाँ से चार्ज कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचती है वो क्या है, C=C1+C2+C3। तो ये तीन कैपेसिटर्स के लिए फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किसके लिए आया है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आया है, लेकिन अगर हम रेजिस्टर्स का यहाँ पर क्या करें, कंपैरिजन करें, तो 1/R इक्विवेलेंट जो आता है वो क्या आता है, 1/R1+1/R2+1/R3 कुछ इस तरह से आता है, तो वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पर ये जो आ रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस अगर हमको क्या करना हो, रिड्यूस करना हो, तो उनका कॉम्बिनेशन कौन सा किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर हम यहाँ पर तीन की जगह n कैपेसिटर्स ले लें, तो n कैपेसिटर्स के लिए हम लास्ट में फॉर्मूला कर देंगे +1/CN। तो सारे के सारे जितने भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो 1/C1, C2 इस तरह से ऐड होती जाएगी। और इक्विवेलेंट हमें अगर कैपेसिटेंस निकालना हो तो ये जो C है वो निकालना पड़ेगा हमें। अगर मान लो दो हमें वैल्यूज दे रखी है, C1 हमें दे रखा है 2 फेरड और C2 हमें दे रखा है 3 फेरड दे रखा है, और इसका हमें करना है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या करना होगा, 1/C = 1/C1+1/C2। यहाँ से ये C निकालना है तो क्या करना होगा, 1/C1C करना होगा, C1, C2, यहाँ पर C1+C2 आ जाएगा, तो ये जो C है वो क्या होगा, C1C2/C1+C2, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो निकाल लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। इसके अंदर क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो कितना डिक्रीज होगा, जो हमने यहाँ पर दो कैपेसिटेंस लिए हैं 2 और 3, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है इसमें, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 है, 2 से भी कम वैल्यू आएगी जब हम इसको सॉल्व करें। तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हो कि जब हमें रिड्यूस करना हो कैपेसिटेंस तो हमें करना है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए सबसे पहले इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट होगा। जब हम पैरेलल की बात कर रहे हों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हमने लिए हैं उन सबके जो फर्स्ट प्लेट है उसको एक पॉइंट से अपन ऐड कर देते हैं। सारे जो भी फर्स्ट प्लेट है उनका कनेक्शन एक पॉइंट से कर देते हैं, और जितनी भी सेकंड अपने पास क्या है, सारे कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन एक अदर पॉइंट से हम कर देते हैं। उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, उस पॉइंट की हम अर्थिंग करेंगे, क्योंकि सारी जो सेकंड प्लेट्स हैं
उन पर जो आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जितने भी सारी फर्स्ट प्लेट्स हैं उनको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ बना देंगे। तो ये जो अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर कैपेसिटर्स की सारी फर्स्ट प्लेट को एक साथ जोड़ा जाता है, सारी की सारी सेकेंड प्लेट को एक साथ जोड़ा जाता है, तो वो हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखते हैं डायग्राम से, ये हमने फर्स्ट कैपेसिटर लिया है, सेकंड कैपेसिटर हमने ये लिया है, थर्ड कैपेसिटर अपने पास ये हो गया। फर्स्ट प्लेट पर जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उनको हमने एक पॉइंट से जोड़ दिया है, और इसको क्योंकि हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। सेकंड प्लेट को, सारी के सारी जो सेकंड प्लेट है उसको अपने अदर इससे जोड़ दिया है पॉइंट से, और इसकी क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अब हमें बात करनी है, देखो यहां तक तो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर क्या है, हमारे पास तीन ब्रांचेस हैं। तो जैसे अगर करंट की बात करें, एक ब्रांच से होती हुई अगर ये ब्रांच जो है वो आगे तीन ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है, तो यहां तक अगर आई करंट आ रही है तो तीनों ब्रांचेस में अलग अलग करंट पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक तो क्या था, सेम था। यहां इस पॉइंट से तीन ब्रांचेस क्रिएट हो रही है, तो I1, I2, I3, उसी तरह से चार्जेस जो है वो कितने हो जाएंगे, Q1, Q2 एंड Q3 हो जाएंगे। मान लो फर्स्ट वाले के लिए Q1 चार्ज है दोनों प्लेट्स पर, सेकंड वाले के लिए Q2 चार्ज है दोनों प्लेट्स पर, और थर्ड वाले के लिए Q3 चार्ज है दोनों प्लेट्स पर। अब एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर चार्ज सेम रहेगा, लेकिन अगर अलग अलग कैपेसिटर्स की बात करें तो फर्स्ट के लिए Q1 है दोनों प्लेट्स पर, सेकंड के लिए Q2 है दोनों प्लेट्स पर, क्योंकि एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर सेम चार्ज रहता है। तो यहाँ पर हम बात कर ली, हमने बात की चार्जेस की। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितने टर्मिनल्स बन रहे हैं। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग कैपेसिटर पर अलग अलग पोटेंशियल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, टर्मिनल दो ही बन रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सारी की सारी फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट से और सारी की सारी सेकंड प्लेट को दूसरे पॉइंट से कन्वर्ट कर दिया, दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ दो टर्मिनल्स बचे हैं जिनके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ एक होगा, वी पोटेंशियल। यानी कि यहाँ हमें पोटेंशियल तो सेम मिल रहा है लेकिन चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, और पहले वाले में सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमें सेम मिल रहा था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा था। तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है वही हमें डिराइव करके सम करना है। पहले वाले में हमने पोटेंशियल सम किया था और यहाँ हम चार्जेस निकालेंगे Q1, Q2 एंड Q3, देन उसका हम सम कर देंगे। तो यहाँ पोटेंशियल की अगर बात करें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल जो होगा वो वी पोटेंशियल होगा, सेम होगा तीनों के लिए। अब सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं। यहाँ से अगर चार्ज निकालें तो फर्स्ट चार्ज हो जाएगा सी वी। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए कैपेसिटेंस क्या हो गई, C1 हो गई, सेकेंड वाले के लिए C2 एंड थर्ड वाले के लिए C3 हो गई। पोटेंशियल अगर सेम है तो हम इसको 1, 2, 3 नंबराइज नहीं करेंगे, अपन सिर्फ कैपेसिटेंस लिखेंगे C1। सेकेंड चार्ज आ जाएगा अपने पास C2 V, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड हमारे पास चार्ज है C3 V, थर्ड इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी चार्जेस हैं उनका हमें प्लस कर लेना है। तो इस Q चार्ज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं, हमने लिख लिया CV। तीनों टर्म्स हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, C1V प्लस C2V प्लस C3V। वी पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है और चार्ज तो डिफरेंट थे ही। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पोटेंशियल है वो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल आउट, हमारे पास फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस 3C3। अगर हम क्या मान लें कि यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं उनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम, कैपेसिटर्स हमने लिए हैं n कैपेसिटर्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्टली ऐड होते चले जाएंगे CN तक। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर रेजिस्टेंस अपन लेते हैं
तो उसमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जस्ट उसको ऑपोजिट होता है कैपेसिटर्स में। तो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन में अगर रिड्यूस करना हो कैपेसिटर तब तो हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करना हो तो हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पर। मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, 2 फैरड एंड सेकेंड है हमारे पास 3 फैरड का, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन भी करके देखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करके देखना है। देखिए बात क्या है कि यहाँ पर हमने जितने भी कैपेसिटर्स लिए हैं उनकी कैपेसिटेंस ली है, कैपेसिटेंस हमने ली है 2 फैरड एंड 3 फैरड। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो रिड्यूस होगा कैपेसिटर कैपेसिटेंस, तो कितना रिड्यूस होगा, यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है 2 उससे भी कम वैल्यू आ जाएगी, उससे भी कम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हमें इंक्रीज करना हो कैपेसिटेंस तो हमें इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितनी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर 3 उससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगी, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए करते हैं, हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या आता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2। अभी हमारे पास सिर्फ 2 कैपेसिटेंस है, तो 1/C = यहाँ हम लिखेंगे 1/C1 हमारे पास 2 है प्लस 1/C2 हमारे पास 3 है, 3 × 2 कितना हो गया 6, एंड यहाँ पर 3 + 2 हो गया और 1/C आ गया। अब C हम निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6/5 आ गया। तो 6/5 करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आंसर आता है 1.2 फैरड। तो देखिए ये जो 1.2 फैरड है वो क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 थी, 2 से भी कम वैल्यू अगर आती है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर कैपेसिटेंस जो है वो रिड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सी इक्विवेलेंट है वो डायरेक्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उनको प्लस करता है, तो 2 + 3 हो गया 5 फैरड। अब देखो यहाँ पर जो 5 आ रहा है, मैंने कहा था आपसे कि जितनी मैक्सिमम वैल्यू उससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 फैरड हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर हो गया। इस तरह से हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज से भी पैरेलल से भी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जितने भी आपके पास अगर डाउट एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।